के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। डॉक्टर जैन नार्लिकर होंगे गोरखपुर मंडल के नए मंडलायुक्त। निवर्तमान कमिश्नर अमित गुप्ता ट्रेनिंग में जाएंगे कैलिफोर्निया। देश को अंतरिक्ष में मिली सफलता पर भाजपाइयों ने जताई खुशी, कहा शक्तिशाली देश के रूप में हुई भारत की पहचान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का अवश्य करें प्रयोग, तभी होगी लोकतंत्र की मजबूती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेलीपार थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा आम जनमानस में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए किया जा रहा है फ्लैग मार्च। गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने मनाया होली मिलन समारोह, जमकर खेली फूलों की होली। कुलपति ने कहा नहीं भुलाया जा सकता इस अस्मरणीय क्षण को। चिलबिल के पेड़ पर चढ़ा आजकर बना कौतूहल, मधुमक्खी का छत्ता बना वन कर्मियों के लिए मुसीबत, घंटों मशक्कत के बाद निराश लौटे वन कर्मी। जिला प्रशासन द्वारा मोहल्ला कमेटी के माध्यम से मतदाताओं में जगाया जा रहा अधिक से अधिक मतदान करने और कराने का अलग। निषाद पार्टी को सपा बसपा के गठबंधन में शामिल किए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी गई बधाई, खेली फूलों की होली। विजय संकल्प महिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की आवश्यक बैठक हुई संपन्न, संगठन की महिलाओं को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता, मुक्केबाजों ने दिखाया दम। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नव निर्वाचित पदाधिकारी हाजी मोहम्मद अयूब अंसारी, तारिक चतुर्वेदी और राबिया खातून का अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर किया स्वागत।